हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी विद नीलांजना एंड आई एम नीलांजना। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निविया की न्यू लॉन्च्ड मिल्क डिलाइट ये वाली फेस वॉश की रिव्यू। एंड आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो के एंड में एक बड़ा सा लाइक कर देना एंड आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। उसके लिए आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की रेड सब्सक्रिप्शन बटन में, उसके बाद एक घंटी वाली बेल बटन आएगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट मैं जितनी भी सारे नए वीडियोस अपलोड करूंगी वो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने नए वीडियोस जो है अपलोड किए हैं, सो दैट आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएंगे एंड आगे भी ऐसे हमारा जो फ्रेंडशिप है ये भी बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर ड्यू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं निविया की हर एक प्रोडक्ट स्किन केयर, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही नरिश करती है हमारे स्किन को, हेल्दी ग्लोइंग एक त्वचा पाने में हमें हेल्प करती है। तो निविया ने लॉन्च किया है इनकी ये न्यू मिल्क डिलाइट रेंज जो कि बहुत ही अच्छा है। ये वाली फेस वॉश जो है इसका टोटल 4 वेरियंट आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक है ऑयली स्किन के लिए, एक है ड्राई स्किन के लिए, एक है नॉर्मल स्किन के लिए और एक है सेंसिटिव स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए जो फेस वॉश बनाया गया है उसमें है ग्राम फ्लावर, जो ड्राई स्किन वाले के लिए जो फेस वॉश बनाया गया है उसमें है हनी एंड जो नॉर्मल स्किन के लिए है वो है सैफ्रन वाली एंड जो सेंसिटिव स्किन वाले के लिए है वो है रोज़ वाटर की। सो दैट आपको टोटल 4 वेरियंट्स मिल जाएगी इस फेस वॉश की एंड साथ ही साथ ये वाली जो फेस वॉश है इसका आपको टोटल 2 साइज मिल जाएगी। एक है 50 ml जो कि मेरे हाथ में अभी है एंड दूसरी जो साइज़ है वो है 100 ml। तो इसके बाद आते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि इसका बहुत ही एक अच्छा सा क्यूट सा पैकेजिंग किया गया है, एक वाटर ड्रॉप की तरह इसका जो पैकेजिंग किया गया है मुझे बहुत ही यूनिक लगा है एंड बहुत ही अच्छा भी लगा है। साथ ही साथ ये बहुत ही छोटा है तो ईजिली आप इसे कहीं पर भी अपने बैग में ईजिली कैरी कर सकते हो, ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है एंड इसका जो कैप है ये बहुत ही टाइट है, सो प्रोडक्ट गिर जाने की भी कोई चांसेस नहीं रहती है। एंड सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट की फ्रंट साइड में एंड बैक साइड में मिल जाएगी, सारे यूजेस, इंग्रेडिएंट्स, कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ये कौन से वेरिएंट की है, सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चर डेट है ये है फरवरी 2019 एंड इसका जो एक्सपायरी डेट है ये है जुलाई 2021, सो दैट इसका जो सेल्फ लाइफ है इस प्रोडक्ट की 2.5 ईयर है। तो इस प्रोडक्ट की जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइल्ड सी बेबी पाउडर जैसे इसका। इस प्रोडक्ट को मैंने परचेस किया था amazon.com से, लेकिन अभी ये सारे ऑनलाइन वेबसाइट में ही ये अवेलेबल है, जैसे कि nykaa.com, purple.com, flipkart, amazon, सब ऑनलाइन साइट पे आप जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट की परचेस लिंक डाल रही हूँ, आप चाहो तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर लेना। सो आते हैं इसके बाद इस प्रोडक्ट की सारे इंग्रेडिएंट्स में। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है मिल्क प्रोटीन जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मिल्क में लैक्टोजन रहती है जो कि हमारे स्किन को और भी ज़्यादा ब्राइट बनाने में हेल्प करती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल भी बनाती है एंड एक प्लम्पीनेस हमारे स्किन में छोड़ती है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ आपको मिल जाएगी इस प्रोडक्ट में ग्लिसरीन जो हमारे स्किन को नरिश करती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है एंड इसके साथ आपको मिलेगी इस प्रोडक्ट में मैंने 2 वेरिएंट की प्रोडक्ट खरीदा है जो कि एक है रोज़ वाटर की सेंसिटिव स्किन वाली और एक है सैफ्रन की। एंड रोज़ में हम जैसे कि जानते हैं रोज़ हमारे स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को डिहाइड्रेटेड होने से रोकती है, हमारे स्किन को हाइड्रेटेड करती है एंड हमारे स्किन में एक नेचुरल सी ग्लोइंग स्किन बनाने में हमारे स्किन को हेल्प करती है। साथ ही साथ सैफ्रन में रहती है बहुत सारी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ब्राइट बनाने में हेल्प करती है एंड हमारे स्किन में एक नेचुरल ग्लो भी देती है। एंड गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये सोप फ्री है, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोप जो है, जैसे कि हम जानते हैं सोप जो है हमारे स्किन को और भी ज़्यादा रफ बना देती है, सो दैट निविया ने इस प्रोडक्ट में सोप की यूजेस नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे नरिशमेंट पहुँचाती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को और भी ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग बनाती है, सो दैट इसमें अगर वो लोग सोप डाल देते तो वो सारे जो गुण है खराब हो जाते थे, सो इसमें सोप नहीं है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड सो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट है बहुत ही पसंद आया है।
मैं फुल्ली आपको रिकमेंड करती हूँ, आप इस प्रोडक्ट को परचेस करके एक बार देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। निविया की हर एक स्किन केयर जो प्रोडक्ट होती है बहुत ही अच्छा होता है। सो दैट आप ऑयली टू ड्राई स्किन वाले हो या फिर कॉम्बिनेशन टू सेंसिटिव स्किन वाले हो, आप अपने स्किन के अनुसार ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड आपको हर कहीं हर कोई ऑनलाइन साइट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया है एंड हेल्पफुल भी लगा है। तो अगर पसंद आया है मेरा ये वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप मेरे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज है, वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। या फिर अगर आप लोगों के माइंड में कोई और भी कुछ वीडियो रिलेटेड रिक्वेस्ट आपके माइंड में घूम रही है, वो भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताओ। मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड गाइज, आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए ये प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। उसके लिए आपको क्लिक करनी पड़ेगी नीचे की रेड सब्सक्रिप्शन बटन में, एंड उसके बाद ये घंटी वाली बेल बटन आएगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। सो दैट मैं जितने भी नए वीडियोज़ आगे भी अपलोड करूँगी, वो सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने नए वीडियोज़ जो है अपलोड किए हैं। सो दैट आप देख पाओगे एंड आप लोगों के साथ मेरा जो फ्रेंडशिप है वो भी अच्छे से बना रहेगा एंड मेरा जो चैनल है ये भी ग्रो करने में आप लोग हेल्प करोगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं तक। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।